नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 23 सितंबर को चीन के दौरे में कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया। इससे साफ है कि भारत के काफी प्रयासों के बाद भी नेपाल चीन से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ सालों में नेपाल और चीन के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, लेकिन चीन ने जब से अपने बॉर्डर्स को बंद करने का फैसला किया तभी से नेपाली एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होने लगे। वहीं भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर की वजह से ट्रेड अच्छे से हो पाता है। भारत ने नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली की खरीद का वादा भी किया है, जिससे नेपाल का ट्रेड बैलेंस तो सुधरेगा ही, साथ ही सरकारी खजाना भी भरेगा। आज नेपाल पेट्रोलियम की सप्लाई के लिए पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट है। यही नहीं, चीन चाहता था कि नेपाल उसके मिलिट्री अलायंस GSI में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, BRI पर भी चीन को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन नेपाल ने ताइवान की फ्रीडम का खुलकर विरोध किया। अग्निपथ योजना के बाद भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती में रुकावट का लाभ उठाते हुए जुलाई 2023 में नेपाली सरकार को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गोरखाओं की भर्ती पर विचार करने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन नेपाली सरकार ने इसे दृढ़ता से ठुकरा दिया। नेपाल ने पिछले साल चीन को केवल $51 लाख का सामान ही निर्यात किया था, जो कि चीन के कुल निर्यात के 0.3% से भी कम है। इसलिए नेपाल चीन के साथ अपने रिलेशंस को और भी बेहतर करना चाहेगा, लेकिन ऐसे में भारत और चीन दोनों के साथ एक जैसे रिलेशंस रखना नेपाल के लिए नामुमकिन सा होगा। एक दशक पहले चीन ने नेपाल के साथ बढ़ते संबंधों को स्वीकार तो किया था, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।